नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म परीक्षा प्लस पर। दोस्तों, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित की गई आपकी परीक्षा GIC प्रारंभिक आपकी परीक्षा का परिणाम आ चुका है और जिन मित्रों का प्रारंभिक परीक्षा में हुआ है वो सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं पूरे परीक्षा प्लस परिवार की ओर। अब आपके सामने आती है, चूँकि समय मुख्य परीक्षा के लिए आपकी फरवरी में मुख्य परीक्षा आयोजित होनी है और समय आपके लिए बहुत ही कम बचा है, चूँकि यह परीक्षा GIC का जो आपकी इस बार प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के तौर पर हो रही है, यह पहली बार हो रही है। इससे पहले आपका एक प्रश्न पत्र होता था और उसी के आधार पर सिलेक्शन होता था, पहली बार बदलाव है। अब मुख्य परीक्षा के लिए आपकी तैयारी क्या होनी चाहिए, बहुत सारी उहापोह की स्थिति बनी हुई है, तो उनमें आपके जैसे प्रथम अब मुख्य परीक्षा के आधार पर देखा जाए कि आपसे जो पाठ्यक्रम आपका दिया हुआ है मुख्य परीक्षा का, वो पाठ्यक्रम जो आपने प्रारंभिक परीक्षा में पढ़ा था वो तो आपका रहेगा ही रहेगा, यानी जो आपकी वैकल्पिक विषय थी, साथ ही इसमें आपके जो है एक पेपर बढ़ चुका है और वो पेपर आपका क्या रहेगा, प्रथम प्रश्न पत्र जो है सामान्य हिंदी एवं निबंध का है, 2 घंटे का समय होगा और इसके लिए आपके पास आपको 100 अंक दिए जाएंगे। ये पूरा पेपर आपका रिटन है, यानी आपको लिखित तौर पर पूरी चीजें लिखनी है, ऑब्जेक्टिव नहीं है, इसलिए यह चैलेंजिंग बन चुका है। और जिन भी लोगों का आपका क्वालिफाई हुआ उन सभी के लिए बहुत ही अच्छा मौका है, पहली बार आपका रिटर्न पेपर हो रहा है। जैसे BO की परीक्षा आपकी, इससे पहले एक परिवर्तन हुआ था और उसमें भी मुख्य परीक्षा आपके यही जैसा ये पैटर्न है, वैसा ही कुछ ही परिवर्तन हुआ था। तो आप लोगों को सबसे पहले, जैसे बहुत सारे लोग कल से मैसेजेस मेरे पास आ रहे हैं, कॉल आ रही कि सर जो है इसमें जो प्रथम प्रश्न पत्र है इसके लिए किताब बताइए कोई बढ़िया, और क्या किया जाइए, कौन सी आपकी चीज़ें बेहतर होनी चाहिए। तो देखिए, जो आपका प्रथम प्रश्न पत्र है जिसमें सामान्य हिंदी और निबंध है, 2 घंटे का आपके पास समय है और आपसे 100 अंक इससे जो है इसे मिलेंगे। इसमें आना क्या क्या है, द्वितीय प्रश्न पत्र आपकी जो विषय है वैकल्पिक विषय है उससे आपसे 300 अंकों का होगा और 3 घंटे का आपके पास समय हो गया, यानी दोनों मिला के 400 अंकों की आपकी परीक्षा होनी है। इसी के आधार पर आपका फाइनल सिलेक्शन होना है। प्रारंभिक परीक्षा जितने मार्क्स से मिल गए कोई मतलब नहीं, आपके मुख्य परीक्षा के आधार पर ही आपको जो है फाइनल सिलेक्शन, यानी एक अच्छा मौका है अगर आप अभी से लग जाते हैं। और कैसे लगना चाहिए, अब तो यही सबसे बड़ी चैलेंजिंग जो है चीज़ें बनी हुई हैं कि किया क्या जाए सर। तो उन्हीं प्रश्नों के लिए जवाब देने के लिए मैं आप सभी के समक्ष हाजिर हूँ। तो करेंगे क्या, जैसे आपका जो प्रथम आपका प्रश्न पत्र है जिसमें हिंदी आपके 50 प्रश्न होंगे और एक एसे आपको लिखना है, जो भी आपका 50 अंक का एसे होगा 50 आपकी हिंदी होगी। अब हिंदी में कैसे सवाल होंगे, हिंदी में आपका एक तो गद्यांश आना है, उसका संक्षेपण करना है, ठीक है, सारांश एक तरीके से संक्षेपण। आप इसके लिए करेंगे क्या, आप जो लोक सेवा आयोग के मुख्य परीक्षा के हिंदी और एसे के प्रश्न पत्र होते हैं, ठीक है, आप चाहें तो इनकी जो है सॉल्व पेपर भी आती है वो खरीद लीजिए, उससे आपको काफ़ी मदद मिलनी है। आप सॉल्व पेपर तो सारे लोग ले लीजिए जिनकी है, और साथ ही साथ आपका जैसे आपको हिंदी के लिए इसमें सीधा सीधा प्रश्न आता है, संधि कितने प्रकार की, जैसे आप BO का पेपर देखिए, संधि कितने प्रकार की होती है, स्वर संधि के बारे में समझाइए, मतलब सीधा सीधा लोकोक्तियां दे दिया जाएगा, उन लोकोक्तियों का आपको वाक्य में प्रयोग करना होगा। आपको 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे, हिंदी के 5 वाक्य देंगे, इनको कहा जाएगा कि आप इनको जो है इनका शुद्ध रूप लिखिए। तो मतलब सामान्य सा पूछता है, जब आप विगत वर्षों के प्रश्न पत्र देखेंगे तो आपको बहुत ज्यादा आइडिया हो जाएगा। इसमें आपके जो है विगत वर्ष के प्रश्न पत्रों की आपकी सॉल्व आती है उसको ले लीजिए। निबंध के लिए क्या किया जाए, निबंध के लिए भी मैं आपको बता रहा हूं कि क्या होना चाहिए, सबसे पहले उन चीजों की बात करते हैं। तो ये दोनों आपके प्रश्न पत्र हैं और इसमें जब हम बात करते हैं, जैसे प्रथम आपका खंड जो सामान्य हिंदी है, सामान्य हिंदी के अंतर्गत 50 अंक आपसे निर्धारित है और इनमें एक आपका आपठित गद्यांश होगा, उसका आपको संक्षेपण करना है, मतलब उसको शॉर्ट में लिखना है, सारांश के तौर पर लिखना है। जो आपका गद्यांश होगा उसका एक तिहाई, संक्षेपण में एक तिहाई लिया जाता है कि जितना आपका बड़ा पैराग्राफ है उसके एक तिहाई शब्दों में आप उसको लिख दें और सारी बातें भी स्पष्ट हो। उससे संबंधित आपके प्रश्न होते हैं, रेखांकित जो अंश होते हैं उनकी व्याख्या करनी होती है और उसका उपयुक्त शीर्षक लिखना होता है। ये चीजें आपकी जो है प्रैक्टिस से ही बेहतर बनती हैं। आप प्रीवियस ईयर की किताब ले लीजिए, सॉल्व पेपर आपके आते हैं और उन पर काम करना शुरू करिए, सबसे बेहतर है। साथ ही साथ इसमें एक तो ये चीजें आपकी प्रीवियस ईयर बहुत बेहतर कर देगा, और दूसरी चीज बात करें जैसे अनेकार्थी शब्द है, इनका वाक्य में प्रयोग आता है, अर्थ लिखने को आता है, विलोम शब्द है, सीधा सीधा आपको विलोम
लिखना होगा, चार शब्द दो शब्द दे देगा उनके विलोम, पर्यायवाची आपको लिखने होते हैं, सीधा दे देगा कि आकाश ठीक है वस्त्र, इनके पर्यायवाची लिखिए। मतलब जो कक्षा 10 स्तर पर हम लोग अभी तक करते आए हैं वही चीजें करनी, कुछ अलग नहीं है, बस इसमें गद्यांश का जो संक्षेपण है वो अलग होता है। तद्भव तत्सम शब्द आपको देगा, उन शब्दों के आपको तत्सम शब्द लिखने होंगे, तद्भव शब्द लिखने होंगे, ठीक है। विदेशी शब्द आपको, शब्द भंडार, ये पूरी चीजें आपकी शब्द भंडार है तो अच्छे से तैयार करना है। साथ ही साथ वर्तनी, अर्थबोध, शब्द रूप, संधि, समास, क्रिया, हिंदी वर्णमाला, विराम चिन्ह, ठीक है, शब्द रचना, वाक्य रचना, अर्थ मुहावरे, लोकोक्तियां, उत्तर प्रदेश की मुख्य बोलियां और हिंदी भाषा में प्रयोग होने वाली अशुद्धियां। अब इनके लिए क्या किया जाए, इसके लिए आप क्या करिए, इसके लिए वासुदेव नंदन लीजिए। इन सारी चीजों के लिए आप वासुदेव नंदन लीजिए या हरदेव बाहरी लीजिए, कोई एक किताब आप लीजिए और उस किताब से आप अपनी तैयारी बेहतर करिए, क्योंकि इससे 50 जो आपके अंक लाने हैं, जैसे संक्षेपण से 10 नंबर का प्रश्न हो जाएगा और बाकी चीजें आपकी जो 40 नंबर बनने हैं उनमें से इन सभी बिंदुओं से एक एक प्रश्न आपके बन जाएंगे, दो दो प्रश्न बन जाएंगे जिनको आपको करना है। तो वासुदेव नंदन आप ले लीजिए या हरदेव बायरी, कोई एक किताब ले लीजिए, दोनों परफेक्ट है, वासुदेव नंदन आप ले सकते हैं, ठीक है। तो वहां से ये चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। जैसे सीधा दे देगा संधि, व्यंजन संधि के बारे में बताइए, संधि के रूप, समास दे देगा, ठीक है, कि इसमें कौन सा समास है, यह समास का विग्रह करिए, ठीक है। विराम चिन्ह दे देगा, विराम चिन्ह के बारे में लिखिए, अल्प विराम जो है या अर्ध विराम का प्रयोग शब्द जो है वाक्यों में कहां पर होता है बताइए, अब वहां पर आपको लिखना पड़ जाएगा। तो ये सब चीजें आपके लिए जो है आपको ढंग से पढ़ना पड़ेगा, आपको खुद की नोट्स बनानी पड़ेगी, तब ये चीजें होंगी। शब्द भंडार तो आपके रटने वाली चीज है और इसमें भी शब्द भंडार बहुत ज्यादा कठिन नहीं पूछे जाते, पूछे आपके नॉर्मल ही जाते हैं, जो आप लगातार देखते चले जा रहे हैं वही पूछे जाते हैं, मतलब बहुत घुस के नहीं पूछता है, डीपली बहुत नहीं होते हैं, ठीक है। यानी मौका अच्छा है, लोकोक्तियों का आपसे प्रयोग पूछेगा, वाक्य रचना पूछेगा, ठीक है, अर्थ मुहावरे पूछता है और इन सबका मुहावरे का अर्थ और उसको वाक्य में प्रयोग करिए, ठीक है, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, इसका वाक्य में प्रयोग करिए, ऐसे ही आता है, मतलब साधारण से सवाल होते हैं जो आप करते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्य बोलियां देखनी है, किस क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है, इनको आप एक विस्तृत अध्ययन कर लीजिएगा और साथ ही साथ हिंदी भाषा के प्रयोग होने वाली अशुद्धियां, ये सब कुछ आपको किताब में मिल जाएगी, लिंग के आधार पर, कारक के आधार पर, विराम चिन्ह के आधार पर, संज्ञा के आधार पर, सर्वनाम के आधार पर, कौन सी त्रुटि कैसे होती है, ये आपको किताब में पूरी चीजें मिल जाएंगी, वहां से प्रैक्टिस आप कर लीजिए, ठीक है। इस पर बीच बीच में मैं आपको वीडियो भी उपलब्ध कराता रहूंगा। फिर हम द्वितीय खंड की बात करते हैं, जो 50 अंक का आपका है हिंदी निबंध। हिंदी निबंध में आपका एक ही खंड है, जैसे बीओ की परीक्षा में दो खंड थे और दो में से आपको एक एक निबंध दोनों से लिखने थे, सात सात शब्दों का, सात सात सौ शब्दों का। यहां पर क्या है, यहां पर एक ही खंड है और एक खंड में आपको किसी एक पर निबंध लिखना, मतलब एक ऐसे आपको तैयार करना है, ढंग से तैयार करना है और उसकी जो शब्द सीमा है, शब्द सीमा यहां पर 1000 शब्द है, 1000 शब्द है, तो आपको यह भी नहीं करना कि बहुत छोटा आप इससे लिख दी, आप देखते हुए चलिएगा, जब आप घर पर प्रैक्टिस करिए लिखिए तो ये देख लीजिए भैया 3 पेज में जा रहा, 4 पेज में जा रहा, एक पेज में मैक्सिमम 150 से 200 शब्द आप लिख पाते हैं, तो ये देखते रहिएगा कि आप कितने पेज में। अब ऐसा भी नहीं है कि 1000 शब्द कहा जाए और आप 1000 शब्द को 700 शब्द में समाप्त कर दें, 800 में, तो अंक कट जाते हैं। और थोड़ी सी राइटिंग आप अपना ये प्रयास करिएगा कि अस्पष्ट लिखिए, निबंध जो लिखे थोड़ा सा अस्पष्ट होना चाहिए, मतलब अगर आपकी हैबिट छूट गई है तो 1000 शब्द लिखना चैलेंजिंग हो जाता है, 1000 शब्द का ऐसे अपने आप में चैलेंजिंग है, तो लिखने की आदत अच्छी डालिए, क्योंकि सब कुछ लिखना है, आपकी जो विषय है वो भी लिखना है। तो ऐसे के लिए क्या किया जाए, इसमें जो टॉपिक आपके दिए हैं, जैसे साहित्य या संस्कृत, जो आपका पसंद है, जिस पर आपकी पकड़ है, जिस पर आपकी सोच है, एक अपना कोई फिक्स कर लीजिए, उसी पर लिखना, उसी पर प्रैक्टिस देते रहिए। राष्ट्रीय विकास योजना हो गई, उनके क्रियान्वयन से राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय समसामयिक या सामाजिक समस्याएं निदान हो गया, विज्ञान पर्यावरण से हो गया, प्राकृतिक आपदा उनके निवारण, कृषि उद्योग एवं जो बीओ की परीक्षा थी, इसमें 3 को एक खंड में और दूसरे को एक खंड में कर दिया था, 2 खंड बना के दोनों पर 7-7 सौ लिखना था, एक कोई चुन के, यहां पर आपके 6 में से कोई एक टॉपिक चुनिए, 1000 शब्द पर लिखना है, जो तुम्हें खूब पसंद हो टॉपिक, जिस पर आपका दिमाग काम करता हो वो। साथ ही साथ इसके लिए किताब क्या ले लें, घटना चक्र की आती है, इन 6 टॉपिक पर आपकी मिल जाएगी, घटना चक्र की आप किताब ले लीजिए, इससे की मार्केट में आ चुकी है नई वाली, ठीक है, घटना चक्र की किताब ले लीजिए, निबंध की नई किताब आ चुकी है उसको ले लीजिए, ढंग से पढ़िए, प्रैक्टिस करिए, लिखने की जरूर, देखो आप ये आदत छोड़ दीजिए, अगर आपकी लिखने की हैबिट नहीं है भैया, पढ़िए, पढ़ो चाहे कम ही लेकिन लिखो ज्यादा, अगर आपकी लिखने की चीजें जा रही है
और लिखने में भी जैसे एससी लिखने में होता क्या है, हम शुरू तो करते हैं अयोध्या की बात और लंका ना जा करके कहीं और दुनिया में पहुंचा देते हैं। तो आपकी सारी चीजें एक ही जगह पर होना चाहिए, या पूरी रामायण नहीं लिख देना है कि आपसे पूछा गया अयोध्या में राम के बारे में तो आप लिखा है पूरा जितने सातों कांड है सब लिख के चले आए, ऐसा नहीं करना है। ऐसे में आपकी चीजें जो घूमनी चाहिए, जो आपसे देखा जाता है कि आप उस जो है बिंदु के आसपास ही भटके, किसी भी चीज के बारे में जब आप घटना चक्र देखेंगे तो उसमें आपको मिल जाएगा, आपको ऑनलाइन भी बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी, किताबें बहुत सारी है, लेकिन घटना चक्र चूंकि ये मेंस के पर्पज से ही मुख्य रूप से किताब आती है तो ये ज्यादा फायदा करेगी। ये दोनों किताबें आप ले सकते हैं। बाकी चीजें अगर देखा जाए, ठीक है, दो किताबें मैंने बता दी है जो आपका वैकल्पिक विषय है, वैकल्पिक विषय में आपसे वही पूछा जाना है, ठीक है, आपसे जो है 20 क्वेश्चन आने हैं, जो आपका द्वितीय प्रश्न पत्र है आपका वैकल्पिक प्रश्न ये वाला, इसमें आपका वही चीजें रिटेन है, 3 घंटा है, 20 प्रश्न आपसे मिलेंगे, 10 आपके दीर्घ उत्तरीय हो जाएंगे, पहले आपके अति लघु उत्तरीय, फिर लघु उत्तरीय, फिर आपके दीर्घ उत्तरीय मिलने लगते हैं, फिर अति दीर्घ उत्तरीय, मतलब जो कक्षा 10 वाले बोर्ड वाला होता था, छोटी छोटी परिभाषाएं तैयार करिए, 50 शब्द में किसको लिखना है, 100 शब्द में, 200 शब्द में और 800 शब्द में, इन चीजों पर आप लोग प्रैक्टिस करिए। आपका जो विषय है उसमें डेफिनेशंस खासकर इन सारी चीजों पर देखते रहें, ठीक है, कि किसकी परिभाषा क्या हो सकती है, किसी के बारे में सबसे छोटा क्या लिखा जा सकता है, सबसे बड़ा क्या लिखा जा सकता है, इन सारी चीजों पर आप लिखने की बेहतर प्रैक्टिस करिए। प्रीवियस ईयर आप देखिए, प्रीवियस ईयर जो आपके जो है विभिन्न प्रश्न पत्र होते हैं इसके लोक सेवा आयोग के मुख्य परीक्षाएं जो हैं, उन प्रश्न पत्रों को आप लाइए, अनसॉल्व आपको मिल जाती, वहां से आपको आइडिया लग जाएगा कैसे। बीओ के आप प्रश्न पत्र ढूंढिए, ठीक है, बीओ के प्रश्न पत्र की किताब ले आइए, उससे आपके विषय के बारे में जो है अंदाजा लग जाएगा। बाकी चीजें आपको समय समय पर जो है इन परीक्षाओं के लिए मैं आपसे वीडियोस के माध्यम से मिलता रहूंगा, जो भी आपकी समस्याएं हैं वीडियो में नीचे कमेंट करिए, उन सभी का जवाब टीम आपको देती रहेगी। तो आज के लिए बस इतना ही, उम्मीद है आपको सारी चीजें एकदम क्लियर हो गई होंगी। आप सभी को आपके भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत साधुवाद परीक्षा प्लस परिवार की ओर से, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।